बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीज नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं बेहद ही खास प्रोग्राम जो आप सबसे जुड़ा हुआ है यानी गेट फिट। आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं। आइए सबसे पहले मुलाकात कर लेते हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट तहसीन रत्ना सर से। सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज क्या फोम रोलर से आप सिखाने वाले हैं? आज हम एक वो सेक्शन है जिसको आईटी बैंड कहा जाता है। ओके, आईटी बैंड ये आपकी साइड ऑफ द लेग में होता है। ओके, इस सेक्शन में और वो जाके कनेक्ट होता है आपके नी जॉइंट पे। ओके, ठीक है, नी के आसपास। तो ये जो आईटी बैंड है इसके ऊपर हम इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको हम रिलीज करेंगे। और ये बैंड स्पेसिफिकली जो एथलीट्स है, जैसे जो रनर्स है या जो स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव है, उनके लिए खास करके ये बहुत फायदेमंद होता है। ओके, और स्पेसिफिकली लेडीज में भी अगर देखोगे जो ज्यादा देर खड़ी रह जाती है और जिनको घुटनों की शिकायत है, तो ये अगर बैंड स्ट्रेच हो गया ना तो ये बहुत बहुत फायदा पहुंचाता है। ओके, तो आज हम इसकी कोशिश करेंगे, इसकी हम आपको स्ट्रेचिंग्स और एक्सरसाइज दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इस बैंड को इसको रिलीज कर सकते हो और इसके स्ट्रेस को हल्का कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ब्रदर हसन की मदद से और देखते हैं कि इस बैंड को, जो आईटी बैंड है, इसको कैसे स्ट्रेच करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने साइड प्लैंक किया था एक लास्ट सीरीज में हमारी। हम पहले साइड प्लैंक की पोजीशन में जाएंगे। चाहिए साइड प्लैंक की पोजीशन में और इस फोम रोलर को बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस तरफ आगे रखेंगे। मैक्सिमम हिस्सा उस तरफ डाल देंगे। ठीक है, एल्बो पोजिशन और हील पोजिशन एक लाइन में रहेगी। ओके, पूरा स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रखना है और इस लेग को स्ट्रेट करना है। okay. इस लेग पे प्रेशर डालना है और इस हैंड से सपोर्ट लेना है। okay. ठीक है, और अब वैसे ही तीन जोन, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। okay. तो फर्स्ट जोन पे काम कर रहे हैं हम। ब्रीदिंग कांस्टेंट रखोगे आप, ब्रीदिंग स्टॉप नहीं करोगे। 10 से 15 ऑसिलेशन, उसके बाद पैर जमीन पे, बॉडी लिफ्ट, लिफ्ट द बॉडी, रोल द फॉर्म अहेड, सेकेंड पोजिशन। अगेन लेग को और थोड़ा आगे ले जाओ, पोजिशन बनाओ अच्छे से ताकि स्लिप ना हो, पैर को ग्रिप मिले, मूव इट, वेरी नाइस। अगर आपको लगता है आप थक जाते हो तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ओके, फर्स्ट पोजीशन करने के बाद रेस्ट कर लो, रेस्ट कर ले, सेकंड पोजीशन करने के बाद रेस्ट कर लो, थर्ड पोजीशन करने के बाद रेस्ट कर लो। ठीक है, ये जो जोन है ना, जो टॉप जोन है, ये किसी किसी लोगों में, किन किन बहुत सारे लोगों में ये सबसे ज्यादा सोर होता है। ओके, और इस पे फोम रखते के साथ आपके चेहरे में एक अलग सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। बिकॉज़ कभी यूज नहीं हुआ होता है, और वो नहीं, वो यूज बहुत ज्यादा हुआ है, इसके लिए वो सोर हो गया, प्रेशर में ऐसा कर। हाँ, अब उस पे जब प्रेशर आता है तो वो एक अजब सा पेन देता है। तो घबराइए नहीं, अगर इस पोजीशन में आपको पेन ज्यादा हो रहा है, आपको अगर कम करना है तो आप लेग का सपोर्ट लीजिए, इस पे प्रेशर डालिए और पेन को कम करिए। ठीक है, रिलैक्स, मैं चाहता हूं आप ट्राई करिए इसको। श्योर, ठीक है, नाइस। नहीं, नी से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, और आगे जाइए थोड़ा सा, और आगे, और आगे। हाँ, ये पोजीशन, वेरी गुड। इसको आगे ले लो, ये पैर को बेंड करके आगे ले लो। ठीक है, इसको हवा में उठा लो, हवा में। हाँ, अब आगे पीछे रोलिंग करिए, ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन, फील, इससे पूरा लोड उठाओ। ओके, हाँ, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड देयर। हाँ, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड देयर, आई एग्री, बट आपको फील हो रहा है वो पेन? महसूस हो रहा है? जरूर जरूर। गुड, अब इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, पैर जमीन पे रखिए। ओके, नेक्स्ट पोजीशन, ये शायद थोड़ी पेनफुल हो, थोड़ी नहीं काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पेन पोजीशन को मेंटेन करिए, लोड इस पे डिवाइड करिए, इस पे डिवाइड करिए, जितना आप लेना चाहे उस पे लीजिए। ओके, और अगर आप ज्यादा स्ट्रांग है तो आप इस पैर को भी इसके ऊपर रख सकते हैं। ओके, तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, लेकिन अगर आप, आई थिंक ये काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, गुड। थर्ड पोजीशन ट्राई करें। ओके, ये सबसे ज्यादा पेनफुल होने के चांसेस है। रोल करिए। यस, परफेक्ट। स्लोली मैक्सिमम प्रेशर डिवाइड करिए, अगर आपको लग रहा है कि आप इस पे ले सकते हो और आप चाहते हो कि इसको और इंटेंसिफाई करिए, इस पैर को उठाइए, डबल करिए, अब रोल करिए। आई थिंक ये ज्यादा पेनफुल है। हाँ, मतलब मैंने बताया ना, हर एक चीज का एक लेवल है। okay. ये एक बिगनर लेवल था, ये अब एक एडवांस लेवल है। अगर कोई एथलीट है उसको ज्यादा पेन है, सोरनेस है, डबल द लेग्स। ओके, लेकिन अगर आपको बेयर नहीं कर सकते हो, आप इस पे आ जाओ। अगर आपको लगता है कि आप इस पोजीशन पे ज्यादा देर नहीं रह सकते हो, हाथ लंबा करके लेट जाओ, नो प्रॉब्लम, फ्लैट लेट जाओ, लेट जाओ बस। ठीक है, अब रोल करिए।
लेफ्ट एंड राइट, पर आई थिंक ये डिफिकल्ट है। अच्छा लेफ्ट बिगनर लेवल, अगर आप उतना लोड नहीं ले सकते हो अपने हैंड पे और आप उतनी देर तक बैलेंस नहीं कर सकते हो, आप इस पोजीशन में करिए। ओके, अब इसको क्या करना है, रोल करना है इन एंड आउट, विंडस्क्रीन की तरह, वाइपर्स की तरह, इन एंड आउट। ओके, फील हो रहा है? हाँ फील हो रहा है। और अगर स्कोर इंटेंसिफाई करना है लेटी हुई पोजीशन में तो पैर पे पैर रख लीजिए। ओके, अब रोल करिए। आपका चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि अब ज्यादा हो रहा है। ओके, तो बिगनर लेवल है, हाँ, ये पोजीशन पे आ जाइए। ओके, एडवांस लेवल है, दोनों पैर रख लीजिए, कम ऑन दी साइड प्लैंक पोजीशन, और अगर मीडियम चाहिए तो एक पैर को खड़ा कर लीजिए। खड़ा कर ले, ऑप्शन सब है वही। ओके, ठीक है, जब आप एक साइड कंप्लीट कर ले तो उसी तरह दूसरी साइड पे भी उसको लेफ्ट एंड राइट का ध्यान रखना। राइट, ओके, ठीक है। हम जो करेंगे वो है इनर थाइस। ओके, ठीक है, यानी ये अंदर का जो हिस्सा, अंदर का जो हिस्सा है थाई का, उसको करेंगे। ये भी बहुत मदद करता है आपके बहुत सारे फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। स्पेसिफिकली नीस को अगर देखोगे ना, तो अगर ये मसल्स अगर आपके रिलीज्ड है और उस पर स्ट्रेस कम है ना, तो और ये मसल को अगर आप एक्सरसाइज करके और एक्टिव करोगे तो नी जॉइंट पे प्रेशर कम आता है। कम आता है, ठीक है। हमारे ब्रदर हसन की मदद से इसको भी करके दिखाएंगे। Okay. किस तरह इसको परफॉर्म करना है, इसको स्ट्रेट प्लैंक पोजीशन में। इजी तरीका भी इसका भी है, इजी तरीका। इंशाल्लाह ये बहुत इजी है, ऐसा लगेगा आपके आप समंदर किनारे पे लेटे हुए हो। ओके, ठीक है, तो ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ जमीन पे इस तरीके से लेटना है। अगर आप चाहते हो कि आप प्रेशर डेवलप करो, ज्यादा प्रेशर रखो, तो आप एल्बो पोजिशन पे आ जाओ जैसे ये करके दिखा रहे, और स्टार्ट पोजिशन को नी से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि ये पोजिशन में वो लेटे हैं, बैक का खास ध्यान रहे, बैक ज्यादा आर्च ना हो। ओके, अगर बैक पे प्रेशर आ रहा है तो आप जमीन पे सीधा लेट जाइए। ओके, प्रॉब्लम नहीं। एंकल को कैसा रखना है नॉर्मली, एंकल सेम पोजीशन में रहेगा, इसको ऊपर भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल ऑसिलेशन करना है फ्रंट एंड बैक। ओके, जब ये कर लो आप, उसके बाद आपको वाइपर ब्लेड्स भी आप कर सकते हैं। ओके, ये पोजीशन तो आपको वो बेसिकली हमने बताया ना, वो मसल का वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे वो पेन होता है थोड़ा, और उस पोजीशन पे उसको रिलीज कर सके जिससे। राइट, उसके बाद सेकंड पोजीशन थोड़ा सा और ऊपर रोल, हमेशा तीन पार्ट में, तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है उसको, रोल करें, ऑसिलेट करें, उसके बाद वाइपर ब्लेड्स। ये एक बहुत अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज भी है, अगर लेडीज जो करना चाहती है तो ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज भी है, कि ये जो ग्लूट का जो हिस्सा है जो जनरली बहुत वीक हो जाता है ज़ईफों में, तो अगर ये एक्सरसाइज को इस तरीके से मेंटेन करके, अगर आप फोम रोलर नहीं है तो आप पिलो रख दीजिए नीचे, गांव तकिया जो आता है गोल, वो रख दीजिए, लेकिन उससे वो ये सेम इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके, इससे जो इफेक्ट आएगा वो उससे नहीं आएगा, लेकिन ये एक्सरसाइज फॉर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये जो ऑसिलेशन मूवमेंट है, ये अगर आप इसको अगर एनाटॉमिकली देखोगे तो ये पूरा हिप बॉल सॉकेट ज्वाइंट से ये मूव हो रहा है। ओके, तो ये बहुत अच्छे से इसको, ये काफी ज्यादा लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर ये बेनिफिट करते हैं। और क्या आप जमीन पे लेटे हो, हसन हाथ निकाल दो, लेट जाओ जमीन पे, लाई डाउन। हाँ, आप इस पोजीशन में भी कर सकते हो। ओके, अगर कोई उस पोजीशन में एडवांस पे नहीं जाना चाहता है तो आप लेट जाइए जमीन पे और करिए। ओके, ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पोजीशन मेंटेन करेंगे और थोड़ा सा ऊपर, रोटेट एंड ऑसिलेट। ओके, आई थिंक ये बहुत इजी और क्विक तरीका है रिलीज करने रिलीज का करने को। Okay. और अगर आपको और एडवांस चाहिए, आप किसी को बोलिए, किसी बच्चे को इस पे बिठा दीजिए। ओके, और फिर आप ऑसिलेशन करिए। ओके, डिपेंड करता है आपको किस तरीके से इसको ले जाना, आप अपने मॉडिफिकेशन, आप अपने मॉडिफिकेशन खुद कर सकते हो। ओके, ठीक है, मैं चाहूंगा आप ट्राई करिए आके, हाथ थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करो। हाँ, ये हिप आउट, हाँ परफेक्ट, ये फर्स्ट पोजिशन है। ओके, ठीक है, अभी आप इसको ऑसिलेट करिए और रोटेशन विंडस्क्रीन वाइपर की तरह, ब्लेड्स की तरह, और फिर अप एंड डाउन, नहीं इसको मत मूव करिए, सिर्फ ये लेग को अप एंड डाउन। हाँ, ये फील हुआ? यस। और इसको प्रेशर डालना है, लेकिन तो आप ये हाथ इसके ऊपर भी रख सकते हो अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है। हाँ, अभी थोड़ा बेटर है। हाँ, या किसी बच्चे को बिठा दीजिए, बट ध्यान रहे इधर ना बिठाइए वरना नी पे प्रेशर आ जाएगा। ओके, ठीक है, सेकेंड पोजिशन थोड़ा सा और ऊपर, रोल करे, मूव इट इन एंड आउट, ज्यादा नहीं खोलोगे आप, सिर्फ ये करना है हिप जॉइंट से, वेरी नाइस। और फिर ये पोजीशन जब आपको कोई पॉइंट मिल जाए जो पेनफुल है, इन एंड आउट, बहुत अच्छा, आई कैन फील पेन इस पे। ओके, तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको मिल गई तो आप उस पर थोड़ा सा होल्ड करके उसको रिलीज करिए वहां पे प्रेशर। एक लास्ट पॉइंट थोड़ा सा और अंदर की तरफ, ठीक है, रखिए, move it in and out first, find the spot,
अब लेट जाइए, अगर आप देखिए आपको वो पोजीशन अगर ज़्यादा बेटर फील होती है तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके जैसे आप कंफर्ट पर प्रेशर इतना नहीं लग रहा है राइट उस पोजीशन पे आपको थोड़ा सा प्रेशर आएगा ऑसिलेशन एंड मूवमेंट। ओके फिर जब आप एक साइड कर ले तो दूसरी साइड चले जाइए। ठीक है ओके अच्छा ओके थैंक यू सर। दोस्तों अगर आप में से कोई हमारी इस क्लिप को हासिल करना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपने नाम और अपने शहर का नाम भेज सकते हैं, उसके बाद हम आपको ये गेट फिट की क्लिप आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। हमारा नंबर है 9619667578। जी हाँ नाज़रीन, अपने फीडबैक सजेशंस और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है gfwin786@gmail.com। देखते रहिए चैनल विन, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।